हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल में। यूनिक सिविल मींस मेक योर सेल्फ यूनिक इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत ही अच्छा आपने प्यार दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे फेसबुक के थ्रू, बहुत से लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, मोर देन 250 मेंबर्स ने कमेंट करके मेरे से अपने ईमेल आईडीज दिए और मुझसे वर्कबुक लिया। सो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट ऑटोकैड इन डीप। मींस पहला लेक्चर है हमारा ऑटोकैड का। कल का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन था कि हम लोग करेंगे क्या, बट आज का लेक्चर जो है इसमें हम पूरा का पूरा समझेंगे कि ड्राइंग किस तरीके से बनाते हैं और पहली क्लास में आपको क्या सीखना चाहिए ऑटोकैड में, वो सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इस पैलेट का नाम है रिबन पैलेट। यहाँ से कमांड्स लेते हैं, ये सारी कमांड्स है और ये ड्रॉइंग एरिया पर ड्रॉइंग करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑर्थो ऑन करके रखना है, जिससे आपकी लाइन जो है स्ट्रेट बनती रहे। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, एल इंटर या लाइन ले कमांड लेके यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने 20 mm का लाइन खींचना है, 20 इंटर दिस साइड, 20 इंटर दिस साइड, 20 इंटर। इस तरीके से हम लोग लाइन खींच सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था पॉली लाइन के बारे में। यहाँ पर अगर क्लिक करके 20 20 20 और इसको हम इस तरीके से मिला सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक नंबर, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि अलग अलग लाइंस हैं सभी के सभी, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। तो मैंने आपको एक डिफिनेशन दिया था, सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइंस इज कॉल्ड कॉल पॉली लाइन। पॉली लाइन को तीन टाइप से एडिट कर सकते हैं, कल डिस्कस किए थे, स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग एड वर्टेक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्क भी कर सकते हैं। ये कुछ मैंने कल डिस्कस किया था। आज के हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से सर्किल को बनाएंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे सर्किल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है सेंटर रेडियस, दूसरा है सेंटर डायमीटर, तीसरा है टू पॉइंट, चौथा है थ्री पॉइंट, टेन टेन रेडियस एंड टेन टेन टेन। तो हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, सेंटर रेडियस। अगर हमको पता है कि हमारे जो सर्किल है उस सर्किल का रेडियस कितना है, यहाँ क्लिक करिए और रेडियस पुट करिए। सपोज उसका रेडियस जो है वो 20, इस तरीके से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, हम ऐसा तो एक सर्किल अगर बनाना हो तो हम अपने चार्ट पेपर भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं मेरे दोस्त, बट सॉफ्टवेयर में अगर हमने मान लीजिए 20 mm का बनाया और हमें चाहिए बाद में 15 mm, हमें पता चला 15 mm का चाहिए, तो आप उसको पूरा का पूरा इरेज करने में टाइम लॉस करोगे। और यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है, देखिए 20 दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको चाहिए 15, 15 पे पहुंच जाएंगे। मीन्स आपने क्विक रिजल्ट दिया, जल्दी फास्ट काम किया, इसलिए सॉफ्टवेयर को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है वो है सेंटर डायमीटर। यहाँ सेंटर डायमीटर क्लिक करिए, उसके बाद आपको जितना डाया देना है, मान लीजिए आपको 5 रेडियस का बनाना है, मतलब 10 डायर देना है, 10 इंटर। ओके, इसके बाद हमारा जो तीसरा कमांड है वो है टू पॉइंट। टू पॉइंट कहाँ पे यूज होता है, सपोज अब जैसे कि आपको मैं अगर बोलूं, मैंने और तो 2 मिनट लिए ऑफ कर दिया, एक लाइन ये है और एक लाइन मेरा ये, इन दोनों लाइन से होता हुआ मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो आप सेंटर रेडियस से पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटर रेडियस लेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता चला कि एक पे तो क्लिक किया पर दूसरा देखिए बाहर आ गया, जो कि गलत है। बट अगर आपने टू पॉइंट लिया तो आपका काम इसलिए हो जाएगा। यहाँ पे टू पॉइंट लीजिए, पहला पॉइंट आपने ये दिया और दूसरा पॉइंट, एक भी mm बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट भी करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा, सर आप अच्छा कर रहे हो, और जो भी आपको लगता है कि इस चीज में सर करेक्शन कर दे तो सर का वीडियो और अच्छा हो जाए, वो भी चीज आप नीचे कमेंट करिए। उसके लिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे, इवन मुझे थैंकफुल होऊंगा मैं आपका कि आप मुझे एडवाइस देके मेरे को इम्प्रूव कर रहे हो आप। ओके सो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट मतलब अगर हमने यहाँ पे एक लाइन और लिया, हमारे पास तीन पॉइंट है, इनसे होता हुआ सर्किल ड्रॉ करना है, तो आप थ्री पॉइंट ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये देखिए आप फटाफट आप इसके अंदर थ्री पॉइंट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे 10 10 रेडियस। आप बोलोगे ये कहाँ पे यूज आएगा, यार ये बहुत यूज आएगा। देखिए सेंटर रेडियस मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, सर्किल रेडियस से एक और सर्किल हमने ड्रॉ किया ऐसे, इन दोनों से होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है आपके पास क्या, 10 10 रेडियस। 10 10 मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड एंड आपको रेडियस क्या रखना है, सपोज रेडियस 3 रखना है। देखिए यहाँ पे 2 2 3 का एक सर्किल बन गया फटाफट। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो हमारा कमांड है वो 10 10 10 10 10 मतलब 3 टेंजेंट्स उसके अंदर। जैसे सपोज हमने एक लाइन लिया और मैं और 2 मिनट के ऑन करता हूँ,
और फिर मैंने 20 इधर भी क्लिक किया, 20, और इसको मिलाया, इसको मिला के इसके मिड पॉइंट पर क्लिक किया, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर क्लिक किया और एंटर, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट, हमारे पास ट्रेंगल आ गया। इस ट्रेंगल में हमें अगर सर्किल बनाना है तो केवल केवल टेन 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 ही हमारी हेल्प कर सकता है। कैसे, कहीं पे भी क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करिए और कहीं पे भी क्लिक करिए, आपके सामने फट से सर्किल आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा सर्किल आपके सामने आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किल के बारे में कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने लाइन देखा और पॉली लाइन देखा। अब आप बोलोगे सर इसको ड्राइंग में कैसे यूज करेंगे, हाँ इससे पहले थोड़ा समय और अच्छी बता दूं आपको। मान लीजिए लाइन लिया आपने और लाइन जो है आपका ये तो स्ट्रेट तो जा रहा है, आपको 45 के एंगल पे ले जाना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले डिस्टेंस जाना पड़े, सपोज 20 डिस्टेंस का जाना है, 45 के एंगल पे जाना है, तो आपको यहाँ पे टैब बटन होती है, TAB टैब बटन होती है, जिसपे आप एंगल दे सकते हो। सपोज मैंने एंगल दे दिया इसको 45, एंटर, ये देखिए 45 एंगल पे बन जाएगा। इस तरीके से अगर एंगल पे है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप इसलिए आप एंगल पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्किल देखा और ये देखा और ये देखा। इसको आपको 2 से 3 बार खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है लाइन को। अभी आपसे गलत होगा, अगर आप पहली बार सीख रहे होंगे तो कभी लाइन आपकी इधर जाएगी उधर जाएगी, परेशान नहीं होना है, करते रहना करते रहना, और ये एक बार हो जाएगा। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कुछ अपने ड्राइंग्स, जिनको हम लोग बनाएंगे आपके सामने, हम ड्राइंग्स बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा अच्छा ये ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ड्राइंग बनाने के लिए क्या करता हूँ, चलो ड्राइंग शीट हम लोग लेते हैं, आपको ड्राइंग शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मिनिमाइज करके इसे सिविल वर्क बुक खोला, मैंने वर्क बुक कई लोगों को मेल किया, 250 नियर अबाउट 250 मेंबर्स को मैंने भेजा है। और लोगों को अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। पहली ड्राइंग तो आप बना लेंगे, 120 जाना है, फिर 20 जाना है, फिर इधर जाना है, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से इजी ड्राइंग है। मैं इस ड्राइंग को आपको पढ़ाता हूँ। तो ये देखिए कितना है, 120, कैसे पता चला, ये देखिए आप 120 है और ये 60 है, और तो उसके बाद इसमें 40 40 40 40 का बॉक्स है जिसमें 10 10 रेडियस यूज हुआ है और यहाँ पे 10 10 10 यूज हुआ है, ठीक है। और अंदर एक 20 का सर्किल और एक 10 का सर्किल है, ठीक है। मैंने तो डायमेंशन याद कर लिया क्योंकि मैं दिन में प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे याद हो गया है, आपको नहीं याद है तो आप एक बार उसको नोट डाउन कर सकते हैं। 120, तो सबसे पहले आप 120 लीजिए, 120 लेने के बाद आरी इंटर, हाँ मैंने ये क्यों किया, देखिए मेरा पेज छोटा नहीं हो रहा है, तो आरी इंटर होता है रीजन कमांड, क्या रीजन, रीजन से क्या होता है पेज आप अच्छे से उसको सिकुड़ सकता है पेज, तो उसके लिए आरी इंटर आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं इस डायरेक्शन में गया, मुझे पता है इस डायरेक्शन से फिर जाना है, इस डायरेक्शन में फिर से 120 और फिर इसको मिला देना है, और फिर इस तरीके से यहाँ से आपको जाना है 40, फिर इधर जाना है 40, इधर जाना है 40, इस 40 को इस ट्रायंगल से मिलाना और इसको इस ट्रायंगल से मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद इसका कोई काम नहीं तो इसको डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। अब ऐसा ही मुझे इधर चाहिए तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कॉपी कमांड लीजिए और इसको कॉपी करके फॉर्म से आप अपना सकते हैं। दूसरी और भी पोर्ट्रेट से कमांड है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो वो सोच रहे होंगे सर मिरर क्यों नहीं कर रहे, और कमांड्स के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा और कमांड्स को, फिर उसको मैं यूज करके दिखाऊंगा, इसलिए अभी मैं केवल लाइन कमांड से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि मेरी बिगनिंग की क्लास है, मींस मैं जो जीरो है उनको सिखाना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट, अभी 3-4 लेक्चर के बाद तो एडवांस आने वाला है, तो जो बिगनर है वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने बना दिया। इसके बाद यहाँ देखा था हमने 10 10 रेडियस, कोई बात नहीं भाई, 10 10 रेडियस, 10 10 और उसके बाद रेडियस, रेडियस आपका कितना है 10 है, 10 इंटर। अब आप चाहें तो इसी कॉपी कर सकते हैं, बट क्या कॉपी करना, आप इसको फट से आप इसी यूज कर लीजिए, क्लिक क्लिक 10 एंटर, फिर 10 10 10 10 10 10, ये देखिए आपके पास एक सेट पूरा तैयार हो गया ये डायग्राम। हाँ आप बोले कि बीट मिडिल का नहीं बनाया सर आपने, तो ये मिडिल का बनाने के लिए एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटर रेडियस, एक 10 का था एक 20 का था, 10, फिर उसके बाद एक फिर से लिया 20, देखिए आपने फट से टैंक बना दिया और उसके बाद इसमें एंटर कर दीजिए, दूसरी टैंक बन गई। पहली वाली आप खुद से बनाना, इसके बाद एक तीसरी टैंक में आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया जिससे आपको डायग्राम दिखता रहे, देखिए 120 80, बट एंगल कितना है इसका 30, 120
एंगल कितना है 30 और 80 आना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, 120 80, एंगल कितना है टैब, क्या करिएगा टैब बटन 30, एंटर। हाइट कितना है, फिर से हमारे हाइट 80 है, मैं आपको दिखा दूंगा। और फिर इसके बाद इधर की ओर जाना है, बट कितना जाना है 80, एंगल कितना है 150, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 150 मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद इधर की ओर जाना है 120, ये देखिए जो मैं एंगल दिखा रहा था वो एंगल ये है, ठीक है, यहाँ से 120 है, ठीक है, ये 120 इस तरीके से खींच देंगे, फिर सॉरी 150, और उसके बाद ये 80 है, क्योंकि देखिए सारे एक्सिस 80 है, बस केवल ये और ये पोर्शन जो है ये 120 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, तो हम लोग आगे गए और आगे हमने यहाँ पे दे दिया कितना था 80 लिया, उसके बाद टैप। अब देखिए इसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 180 से बांटने के बाद, और हमने 30 बुक किया तो कितना आ गया 210, ठीक है, देखिए 210 आ गया हमारा, 210 के बाद हमारा कितना आ गया फिर से 80, और उसके बाद मिला दिया, समझ गया ना 210 कहाँ पे, क्योंकि देखिए 180 तो टोटल है, 180 में 30 और, तो कितना हो गया 210, और उसके बाद इस तरीके से मिला के ऐसा ही एक डायग्राम अंदर है, बट इससे 40 के स्पेसिंग्स पे है, ठीक है, तो 40 के स्पेसिंग्स पे है, तो यहाँ पे इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे एक साथ, सबको एक साथ सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके जे इंटर लिखोगे, जे इंटर ज्वाइन लिखोगे, और उसके बाद फिर से सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑफसेट कमांड लोगे आप, यहाँ पे एक ऑफसेट ओ इंटर इसकी शॉर्टकट की होती है, ऑफसेट कमांड क्या करता है वैसा ही सेम डायग्राम नीचे बना देगा, क्लिक करिए और फिर यहाँ पे 40 इंटर अंदर पे बनने लगेगा, बाहर क्लिक करेंगे बाहर बन जाएगा, अंदर क्लिक करेंगे अंदर। अगर फिर भी आपको उसको डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या इसको डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से इसको और डीप में मैं ऑफसेट कमांड को बताऊं। वैसे कल का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ऑफसेट कमांड पढ़ेंगे, मिरर कमांड पढ़ेंगे और फिलेट कमांड पढ़ेंगे, और अगर समय रहा तो एरे कमांड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड ड्राइंग्स हम लोग बनाएंगे। आज के आपको वर्कबुक में करना क्या है, ये बनाना है, ये बनाना और ये बनाना, और एक एम कैट करके वर्कबुक मैंने दिया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए और क्लिक करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा। होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज यार अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करते रहो, जिससे मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं, आपके हौसले से इसको कंटिन्यू रख सकता हूं, आप मुझे बताओगे तभी मेरे को और अच्छा लगेगा कि अभी बच्चे सीख रहे हैं, मैं और नई नई चीजें लेके आता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा आपको ये सब चीजों को, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करते चीजों को तो याद नहीं रहता, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लाइन का शॉर्टकट की क्या है एल, पॉलीलाइन का क्या है पी एल, सर्किल का क्या है सी इंटर। अब उसके अंदर सर्किल के भी ढेर सारे टाइप्स है, यहाँ पे सेंटर डायमीटर है, टू पॉइंट है तो सी इंटर, टू पी इंटर तो टू पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद थ्री पॉइंट, टेन टेन रेडियस और टेन टेन टेन, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो मैंने अभी ज्वाइन किया था, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो जो मैंने जे इंटर अभी पीछे किया था, अगर सबको सेलेक्ट करके जे इंटर करूं ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे दिखाऊं, देखिए कहीं भी मैं क्लिक करूंगा क्या हो जाएंगे पॉलीलाइन, पॉलीलाइन का कैसे पता कर सकते हैं, देखिए एक हो चुका है, प्लस यहाँ देखेंगे तीन, यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे, स्ट्रेच, एड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क, इस तरीके से आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने देखा कि जे इंटर करके कैसे करते हैं। इसके बाद ऑफसेट को मैं थोड़ा सा और बता दूं, ऑफसेट करता क्या एग्जैक्टली, जैसे सपोज हमारे पास एक लाइन है ऐसे, ऐसा ही सेम लाइन यहाँ से 20 mm ऊपर बनाना है, तो कॉपी करने के बजाय हमको ऑफसेट कमांड यूज करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। सेलेक्ट करिए ओ इंटर, यहाँ पे देखिए ये ऑफसेट कमांड की सिग्नल है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करिए कमांड, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए कहीं पे भी, यहाँ पे क्लिक करिए फिर किस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में माउस को लेके जाइए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में 20 ले जाना है, 20 इंटर, इसे 20 इंटर करेंगे, आप फिर से इंटर मत करिएगा तो क्या होगा पता है, गायब हो जाएगा। ये देखिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट ना भी करेंगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ओ इंटर, आप क्या 15 इंटर, जैसे इंटर किया तो ऊपर की ओर क्लिक करिए, अगर नीचे चाहिए तो नीचे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए पट से हो गया, फिर ऊपर जाना है फिर से आप कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग ऑफसेट कमांड को यूज कर सकते हैं। अब जैसे सर्किल है ये कितने 46 रेडियस का है, अब आपको चाहिए 10 रेडियस और बढ़ा, इसको सेलेक्ट करिए ऑफसेट, यहाँ से क्लिक करिए 10 इंटर, ये देखिए बाहर बनता गया, अब जितना बाहर आप क्लिक करते जाएंगे 10 10 बढ़ता जाएगा, ये देखिए 10 10 बढ़ता जाएगा,
होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऑफसेट कमांड को यूज कर रखे और किस तरीके से ज्वाइन कमांड को, किस तरह से सर्किल ऑफसेट के शॉर्टकट की है क्या है ओ इंटर, ज्वाइन का क्या है जे इंटर। प्लीज शॉर्टकट की आप याद करके रखिए, मेरे सारे सारे स्टूडेंट्स को शॉर्टकट की याद ही करना पड़ता है। और आप नीचे बताइए कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, क्या आपको आगे भी कंटिन्यू करना है इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वंस अगेन जय हिंद जय भारत। अपने देश से प्यार करिए और आगे बढ़िए।